वेलकम टू मिस्टर भाई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इसराफिल भाई। आज आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू अपडेट एंड्रॉइड सिस्टम वेबव्यू एंड क्रोम ब्राउज़र। आप इन दोनों ऐप को अपडेट कराने जा रहे हो लेकिन अपडेट नहीं हो रहा है, इसको किस तरीके से फिक्स करोगे, इन दोनों ऐप को किस तरीके से अपडेट कराओगे, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। इस वीडियो को पूरा देख लेना, समझना है आप आसानी से अपडेट कर पाओगे। तो वीडियो को देखते रहे सभी एंड तक। वीडियो आप लोगों को पसंद आता है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं आप लोगों को स्क्रीन के अंदर पाई टू पाई बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को करना है। मैं सीधा जाऊंगा, जाने के बाद अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद मान लीजिए मैं एंड्रॉइड सिस्टम वेबव्यू एंड गूगल क्रोम को इधर से अपडेट करने जाऊँ, अभी तो अपडेट नहीं होने वाला है। तो क्या करना है, मैं इधर से एंड्रॉइड सिस्टम वेबव्यू को अपडेट करना चाह रहा था लेकिन नहीं हो रहा है। इसी तरीके से सेम गूगल क्रोम को भी मैं अगर अपडेट करने जाऊँ नहीं होगा, तो इधर से आप लोगों को सीधा बाहर चले जाना है प्ले स्टोर के अंदर। अभी नहीं जाना है लेकिन थोड़ी देर बाद आप लोगों को आना है, ठीक है। इधर से अभी चले जाना है सेटिंग्स के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग्स के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे जैसे ऐप्स को नीचे से जाके ढूंढ लेना, इसको पूरा देखना ठीक से समझना, ठीक है। या ऊपर से सर्च बॉक्स मिल जाती है, इसके अंदर क्लिक करके ऐप्स को जल्दी सर्च कर लेना। आप जैसे ऐप्स को इधर से टेक्स्ट करोगे इधर से नीचे से ऐप सजेस्ट हो जाता है, इसके अंदर आप लोगों को क्लिक कर देना। आप जैसे क्लिक करते हो इधर से मैनेज ऐप्स वाला एक बटन मिल जाता है, इसके अंदर एक बार क्लिक कर देना। आप जैसे क्लिक करते हो इधर से आप लोगों को मिल जाता है गूगल प्ले स्टोर नीचे से, या इधर से सर्च करके जल्दी से लेके आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं गूगल प्ले स्टोर सर्च करता हूँ जैसे मिल जाते हैं, मैं इसके अंदर जाके एक बार क्लिक करूँगा, इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर अनइंस्टॉल अपडेट्स करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर नीचे थोड़ा ढूंढ लेना। मेरी फ़ोन के अंदर अनइंस्टॉल अपडेट्स नीचे से मिल जाते हैं, मैं इसके अंदर जाके एक बार क्लिक करूँगा। मैं जैसे क्लिक करता हूँ नीचे से ओके बटन, इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा, आपका जो प्ले स्टोर अनइंस्टॉल हो जाएगा लेकिन रहेगा, ठीक है, अनइंस्टॉल अपडेट्स, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे इधर से सक्सेसफुल हो गया मेरे से, एंड इधर से प्ले स्टोर को मैं होम से कट कर दूंगा, मैं फिर से जाकर प्ले स्टोर को ओपन कर लूँगा। आप लोग भी इसी तरीके से ओपन कर लीजिएगा एंड इधर से कुछ टाइम वेट कर लीजिएगा, जैसे एक दो मिनट लाइक वेट कर लीजिएगा। देन इधर से मैं अभी क्रोम को सर्च करके अपडेट करने जाऊँ, अभी भी नहीं होगा, ठीक है। मैं इधर से अपडेट करना चाहूँ नहीं होगा, दो बार ट्राई किया तो इधर से गोल गोल घूमे पेंडिंग में पड़ गया, ठीक है। एंड ऊपर से अभी देख सकते हो अपडेट होने लग रहा है प्ले स्टोर एंड कॉम डॉट गूगल डॉट एंड्रॉयड, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऊपर से देख लेना है दोनों अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दो मिनट वेट कर लेना, ईजिली अपडेट होने लग जाएंगे। एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू को मैं इधर से सर्च करके अभी अपडेट कराने की प्रयास करूँगा, नहीं होगा जब तक वो चीज़ अपडेट नहीं हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो अपडेट होने लग रहा है, इसको पूरा होने दीजिए, फिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरीके से अपडेट होता है, प्रूफ देख लीजिएगा, फिर जाके इजीली आप भी ट्राई कर सकते हो। देख सकते हो जैसे अपडेट हो चुका है, जैसे गूगल क्रोम इजीली अपडेट होना शुरू हो चुका है एंड ऐसा अपडेट भी हो चुका है। इसी तरीके से मैं एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू को अपडेट करा लूँगा। मैं इधर सर्च करता हूँ एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू के अंदर चले जाऊँगा, इधर से अपडेट के अंदर प्रेस करूँगा, ये भी अपडेट होना शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग को पूरा जानकारी मिल चुका है किस तरीके से इन दोनों ऐप्स को अपडेट कराओगे। अगर जानकारी मिलता है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लेना।